मंगल मित्र स्टूडेंट, आज हम एक बार फिर 11th क्लास में हिस्ट्री इतिहास में एक चैप्टर ले रहे हैं, लेखन कला और शहरी जीवन। ये लेसन नंबर 2 है, इसको हम पहले रिवाइज कर चुके हैं। आज मेन पॉइंट हम इसके लेते हैं। ये चैप्टर हमें मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताता है। सभ्यता का मतलब वो हुआ जब लोग अपनी बस्तियां बनाकर कानूनों का निर्माण कर एक साथ रहने लगे, उस समय की बात कर रहे हैं। और ये लगभग 5000 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। अगर आज से हम गणना करें तो लगभग 7000 साल पहले मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी। और आज के समय में जो देश है इराक, आपने नाम सुना ही होगा, यहाँ पर ये सभ्यता प्राप्त हुई है। जैसे भारत की जो पुरानी प्राचीन सभ्यता है उसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा की सभ्यता के नाम से हम जानते हैं, जिसका जिक्र आगे क्लास में होगा। मेसोपोटामिया की सभ्यता दो नदियां नजला व फरात नदी के आसपास विकसित हुई। हम जानते हैं कि मनुष्य ने अपना प्रारंभिक आश्रय वहीं पर बनाया जहां पर उसको पानी की उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, खेती बाड़ी करने के लिए, अपने रोजाना के कार्यों के लिए और अपने जीवन को चलाने के लिए पानी एक महत्वपूर्ण चीज थी। तो जितनी भी विश्व में सभ्यताएं विकसित हुई हैं वो सबकी सब किसी न किसी नदी के किनारे हुए हैं। जैसे मिस्र की सभ्यता जो कि नील नदी के किनारे पर विकसित हुई है, भारत में हड़प्पा की सभ्यता जो कि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई है, इसी प्रकार दजला और फरात नदी के आसपास मेसोपोटामिया की सभ्यता विकसित हुई थी आज से 7000 साल पहले। और एक वहां नगर का नाम आता है। अब ये सब जानकारी हमें वहां के जो फिजिकल एविडेंस है, यानी खुदाई के बाद वहां से जो चीजें मिली है, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स मिले हैं, क्वाइंस मिले हैं और उनकी लिपि जो लिखते थे उसका जो अर्थ समझा गया, तो हमें मेसोपोटामिया के बारे में बहुत सारी जानकारियां मिल जाती हैं। यहाँ उसका एक शहर था मारी जो एक राजधानी के रूप में विकसित हुआ था। और ये हम बात कर रहे हैं 2000 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 4000 साल पहले, उनकी कैपिटल सिटी था मारी। इसको वहां सुमेरियन भाषा का प्रयोग किया जाता था। लेखन कला में ये लोग परिचित थे। और आप जानिए जो अल्फाबेट है वो लगभग इंग्लिश में 26 हैं और हिंदी में लगभग 52 हैं। आप सोचिए कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के जो अल्फाबेट्स थे वो लगभग 5000 से भी ज्यादा थे। संकेत थे, चिन्ह थे, कुछ शब्द थे और उनकी संख्या 5000 से ज्यादा थी। इसलिए हम कहें कि क्या वो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, लेकिन इसी वजह से कि इतनी ज्यादा संख्या शब्दों की होने के कारण वो कम पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन लेखन कला और ज्ञान उनके अंदर भरपूर था और उन्होंने इस चीज को सहज कर भी रखा है। एक वर्ड आता है कीलाकार लिपि, यानी वो लिखने के लिए पेन का यूज नहीं करते थे। मिट्टी, कच्ची मिट्टी की पट्टी बनाई जाती थी और उस पर सरकंडे से या पिन से छेद कर करके वो लिखा करते थे। उसके बाद उसको सुखाकर और आग में पकाकर परमानेंट वो दस्तावेज बन जाता था, क्योंकि कागज का विकास जब तक नहीं हुआ था। तो मारी नगर के बाद हम बात करते हैं लेखन कला की, जिसमें 5000 से ज्यादा शब्द थे। इनका शहरी जीवन बहुत ही संपन्न था, यानी शहरों की शुरुआत हो गई थी, लोग शहरों में रहने लगे थे। और ये शहर जो सबसे पहले विकसित हुए लगभग 5000 साल पहले मेसोपोटामिया में विभिन्न शहरों का विकास हो चुका था। मेसोपोटामिया के लोग गणित और खगोल के लिए प्रसिद्ध थे, यानी उनकी कैलकुलेशन, हिसाब किताब रखना, जोड़ना घटाना ये उनको आता था। और साथ ही साथ खगोल यानी एस्ट्रोनॉमी, आप जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, चांद हैं, तारे हैं, समय है और कब चंद्र ग्रहण होगा, कब सूर्य ग्रहण होगा, इन चीजों का भी वो कैलकुलेशन करते थे। तो आप सोचिए मेसोपोटामिया के लोग कितने ज्ञानवान रहे होंगे। यहां आगे बात करते हैं मंदिर की। मंदिर एक स्पेशल इसमें टॉपिक के रूप में है मेसोपोटामिया में। भले हम इराक, वर्तमान में इराक की बात कर रहे हैं, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता में मंदिर का एक विशेष स्थान होता था। आप सोचिए कि जितने भी शहर प्राप्त हुए हैं खुदाई में से, उनका जो केंद्र है वो मंदिर है, यानी मंदिर के आसपास ही शहरों का विकास हुआ है। एक बहुत ही प्राचीन एक छोटा सा मंदिर वहां से प्राप्त हुआ जिसको हम देवालय कह सकते हैं। और ये कच्ची ईंटों का बना हुआ था, क्योंकि उस समय ईंटों को पकाकर प्रयोग करने की विधि मेसोपोटामिया के लोग नहीं जानते थे। मंदिर ना केवल शहरों के केंद्र हुआ करते थे, बल्कि सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक केंद्र भी मंदिर हुआ करते थे।
अब बात आती है कि मंदिर उन्होंने क्यों बनाए होंगे, तो उसके उसके पीछे ये बताया जाता है कि जो विभिन्न प्रकार विभिन्न जो कबीले थे या विभिन्न जो सरदार थे, जब वो आपस में लड़ते थे, दो ग्रुप आपस में लड़ते थे, तो जो जीत जाता था वो उस स्थान पर एक मंदिर का निर्माण कर देता था। मंदिर एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता था, लेकिन धीरे धीरे ये मंदिर बड़े विशाल रूप ले चुके थे और मंदिर के आसपास ही राजा का महल और अन्य जो व्यापारिक केंद्र थे वो विकसित हुए थे। यहाँ हम दो देवताओं की बात कर रहे हैं, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। उर जो देवता था वो चंद्र देवता का नाम था मेसोपोटामिया के लोग उर देवता की पूजा किया करते थे। और दूसरी है इनाम, इनाम प्रेम और युद्ध की देवी के रूप में उनको पूजा जाता था। यहाँ हमने कुछ संक्षेप में अपने चैप्टर नंबर 2 लेखन कला और शहरी जीवन, जिसको दूसरे नाम मेसोपोटामिया की सभ्यता भी कहते हैं, इसके बारे में हमने बात की। थैंक यू वेरी मच। Have a nice day.